ओके, वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपको 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 38 एंड 39। आदित्य की प्रॉब्लम थी 38 एंड 39 स्टूडेंट की, तो उसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। 7.3 कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर के आगे। ओके, तो ये था 38 बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर को टी ले लोगे, एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, इसको अगर आप टी ले लेते तो न्यूमरेटर आपको मिल जाता है। कैसे मिलेगा? एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव है 10x की पावर 9। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, शायद इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की एक्स लॉग ए, यही तो होता है इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करोगे 10 की x log 10, दिखाई दे रहा है यही न्यूमरेटर है, तो आप इजली कर ले जाओगे इसको। ठीक है, तो 1/t आ जाएगा और इजली ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो लॉग टी, और यहाँ से आप देख रहे हो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तो यही तो 1/t, दैट इज़ लॉग ऑफ टी, और टी की वैल्यू ये। और ये वाला 39 अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ चुका है, एमसीक्यू में नहीं आया हुआ है, बेसिकली 4 मार्क्स में आया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट जब 4 मार्क्स में आता था, जब से 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे हैं लास्ट ईयर से, और इस साल से तो एमसीक्यू भी आने लगा, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे देखना बेसिकली इसको करना कैसे है, ये देखना आप। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin²x cos²x, ये जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही बेटर हो। अब नीचे देख रहे होगा 1 के प्लेस, क्योंकि साइन को आप पुट करोगे तो कॉस न्यूमरेटर में आना चाहिए, बट वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 1 को आप चेंज कर दो। 1 कैन बी रिटन एज sin²x + cos²x, तो आप इजली कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप इसको ब्रेक करोगे, sin²x/sin²x·cos², sin²x·cos², तो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? sec²। ऐसे दूसरे सेकंड टर्म को जब आप सेपरेट करोगे तो cos², cos² कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/sin², 1/sin², दैट इज cosec², और cosec² का इंटीग्रेशन आप जानते हो। सो आई होप ये हो गया, तो छोटे डाउट्स थे। ओके, 7.3 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, cos C - cos D मीन्स cos A - cos B का फार्मूला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही अप्लाई होगा, और इस फार्मूले के बाद आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे। मैंने बोला था 22 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, फिर देखते हैं। आज ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है। नाउ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos²x - cos²α डिवाइडेड बाई cos X - cos α dx। अब यहाँ पर dx मीन्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स x ही चेंजेबल है। यहाँ पे जो अल्फा यूज़ किया गया, अल्फा इज कॉन्स्टेंट, जो भी कुछ x से डिफरेंट होगा दैट इज कॉन्स्टेंट। तो ये थोड़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज करिए आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपने स्टार्ट भी कर दिया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत से। ओके, तो cos A - cos B का फार्मूला तो याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो cos A - cos B का फार्मूला माइनस ऑफ साइन के फॉर्म में होता है, कई बार 11th में पढ़ा होगा, sin A + B/2 एंड sin A - B/2, या फिर कुछ ने ऐसा पढ़ा होगा रिवर्स करके B - A, तो यहाँ माइनस वाला साइन नहीं रहेगा, कैसे भी कर लो ये फार्मूला है। तो माइनस मैं बाहर आउटसाइड पहले ही लगा देता हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फार्मूले यूज़ होंगे, थोड़ा ध्यान से करना आप। करते हैं sin A + B/2, sin²x + 2α/2, दैट मीन्स sin X + α हो गया, (2, 2, 2) कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला करोगे sin X - α। अच्छा, डिनोमिनेटर में सेम अप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 भी होगा। एक मिनट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, रिवर्स। ओके ओके, 2 अप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला कंप्लीट कर देते। ओके, यहाँ पे 2 भी आप लगा दीजिए, ठीक है, एक्चुअली ये कैंसिल ही होने वाले हैं, बट यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि फार्मूला हमें लिखना ही है सही। ओके, cos X - cos α जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी होगा 2। अब ये इसके हाफ हैं तो यहाँ भी सारे जगह हाफ हो जाएगा, sin X + α/2
एंड साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू, माइनस का साइन यहाँ भी आएगा, एक्चुअली टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब पिक्चर आप देखिए क्या बनती है इस एन डी एक्स। तो ये कुछ सारा कुछ तो अभी आपको लग रहा होगा मैं 11th क्लास ही डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ओके सो अभी आपके पास पिक्चर सीन क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा है एंड साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू है एंड साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू है। आप देख रहे होंगे ना हाफ एंगल है जस्ट उसके नीचे। तो अब इसे और सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि अभी भी सब्स्टिट्यूशंस कुछ ढंग के मिलेंगे नहीं, हाफ एंगल है मैंने पहले भी बोला था। कभी भी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर्स के कंप्लीट एंगल हो फिर उसका हाफ एंगल डिनोमिनेटर में हो, तो आप सब्स्टिट्यूशंस का ये मीनिंग नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन में डिग्री रिड्यूस होती है ना, कॉस साइन में चेंज होता है, उसका एंगल थोड़ी ना हाफ हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई टेक्निक नहीं है। तो दैट मीन्स हमें अभी और सिंप्लीफाई करना है। तो साइन और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है साइन में, साइन टू एक्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन एक्स प्लस अल्फ़ा में, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू, इसे ये भी हाफ एंगल में चेंज कर लो, और कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू इन टू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू, और टू भी यहाँ पर लगा ही रहो आप, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू एक्स प्लस अल्फा बाई टू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू। कैंसिल करिए जो भी मैक्सिमम कैंसिल हो, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका हाफ एंगल ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू फोर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू एंड कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू। यहाँ तक पहुँच गए आप, आई थिंक अब काफ़ी कुछ क्लियर सा दिख रहा होगा आपको कि अब सिचुएशंस काफ़ी क्लियर है और अंडर कंट्रोल है। क्वेश्चन टोटल अगर आपका एक तरीके से ट्रिगो का टेस्ट भी हो रहा है, सारे फार्मूले लग रहे हैं, अभी एक फार्मूला और अप्लाई करेंगे फिर आपका ये इंटीग्रेबल होगा। तो टू अगर कॉमन कर लूँ तो टू कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई टू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई टू, देख रहे हैं टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला अप्लाई होगा एंड द फाइनली टू इंटीग्रेशन कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों का एडिशन, तो अल्फ़ा बाई टू कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी दैट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई टू ऐड हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इन फार्मूलों की ब्यूटी देखिए, अगर आपको अपना फार्मूला चेक करना हो और ये वाला फार्मूला याद हो तो यहाँ पे एडिशन से वापस यही फार्मूले मिल जाएंगे। क्या होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, देख रहे हैं वही फार्मूले बन रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, यहाँ तक पहुँच गए। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ट्रिगो कर रहे थे। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ये टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस टू कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन। अब कुछ बोलेंगे साइन अल्फ़ा, तो ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, पहले भी बोला था कि अल्फ़ा क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, तो कॉस अल्फ़ा इज टेकन आउटसाइड, वन का इंटीग्रेशन बेसिकली होगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो दिस इज आंसर, सिंपली यू कैन राइट साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा, एक्चुअली एक्स पहले लिख दिया करो नहीं तो लगता है कॉस अल्फ़ा एक्स है, कुछ लोग तो ऐसा लिखना शुरू कर देंगे, या फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया करो तो लास्ट में प्रॉब्लम आती है, तो दिस इज़ द आंसर। ओके सो ये कंप्लीट हो गया, देखा आपने ट्रिगो का पूरा टेस्ट हुआ है, काफ़ी फार्मूले यूज़ करने हैं, तो आपको 11th क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स स्टार्ट कर। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स,
मैंने पहले बोला था आपको कि क्वेश्चंस को घूरते रहिए, अच्छे से घूरिए, समझ में तो आ जाएगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं है, और आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर यू कैन गो। ओके, सो देखिए यहाँ पे साइन 2x है, फिर से यहाँ पे x है, तो दैट मीन्स समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो है ऐसा कि आपको और कुछ करना है। यहाँ पे ज़्यादा आपने फार्मूले लगा दिए, 2 sin x cos x, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, तो दैट मीन्स अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको यू कैन री राइट दिस, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x। सो ये हो जाएगा फाइनली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x क्या हो गया, 2 sin x cos x, और ओवरऑल आप इसको लुक एट दिस, दिस इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सो ये क्या हो गया आपका, डी एक्स लगाते रहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होने जा रहा है। इसको अगर आप टी लेंगे, दिस इज टी, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी से, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, डी एक्स डी टी में रिप्लेस हो जाएगा। देख लीजिए आप, न्यूमरेटर्स रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट। तो फाइनल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब तो कर लोगे, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, -1/t, और टी के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा फास्ट मैंने किया होगा बट आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या होगा, अब ये टेन और सेक हैं, सेक स्क्वायर, तो ये देख लेते हैं, ये भी इंटू सेक 2x, ये था क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब 2x सेक 2a dx, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो बेसिकली अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या पुट करना चाहोगे, टेन एक्स पुट करोगे, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो टेन एक्स सेक स्क्वायर होना चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं, दैट मीन्स पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, दैट इज़ आप टेन स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हो ना, एक टेन स्क्वायर को ब्रेक कर दिया मैंने सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 में, और एक टेन एक्स टेन 2x sec 2x, एंगल चेंज नहीं होता ये ध्यान रखना ना, मैं टेन एक्स बोल रहा हूँ दैट मीन्स टेन 2x जैसा है वैसा ही होगा, कुछ नया रूल अप्लाई नहीं होने वाला यहाँ पे, बेसिक फंडामेंटल रूल्स तो वही है ना। सो अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लिए, टेन sec स्क्वायर आने के बाद आप काफ़ी रिलैक्स पोजिशन में होगे। ओके, सो sec स्क्वायर 2x टेन 2x sec x sec 2x, ये एक इंटीग्रेशन हो गया, दूसरा इसका इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ जिससे आपको इजीली दिखाई दे मैं करने क्या जा रहा हूँ, sec 2x। ओके, तो अब ये वाला जो सेकंड वाला है tan 2x sec 2x, दैट इज tan x sec x, ये इंटीग्रेशन आप जानते हो, tan x sec x किसका इंटीग्रेशन होता है, मीन्स sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x sec x, तो सेम ये वाले पार्ट का आप इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, कि sec x का डिफरेंशिएशन tan x sec x होता है, तो 2x एंगल है तो 2x, मैंने पहले भी बोला था जब भी x को मल्टीप्लाई किया गया हो किसी नंबर से, सेम डिवीजन अमाउंट में डिवीजन होगा, तो इसका तो sec 2x हो जाएगा। अब ये वाले का आप इंटीग्रेशन आपको करना है, इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देख लेते हैं, और सिंपल है ये भी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx। अब अगर आप sec को t ले लो, तो sec का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, tan x
sec x, तो ये पूरा dt में रिप्लेस हो जाएगा, देखना sec स्क्वायर sec 2x इज इक्वल टू t, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, sec 2x tan 2x इंटू 2 dx dt में रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, t स्क्वायर dt और यहाँ पे 1/2 dt बाई 2 हो जाएगा ना, t क्यूब, t क्यूब का मीनिंग क्या हो गया, sec क्यूब 2x बाई t क्यूब बाई 3, यहाँ पे sec क्यूब बाई 3 होगा, ये चेंज कर दो, ये हो जाएगा sec क्यूब बाई 3 और पहले से 2 है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये और ये जो एक पोर्शन ये था दोनों को ऐड कर दोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको सिंप्लीफिकेशन पे और फार्मूले तो याद रखने ही है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कर लेते हैं ना, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, टेन की पावर 4। देखिए आप, पहले भी मैंने बोला था कि आप एक सिस्टम अपने दिमाग में जनरेट करते जाइए, आपने साइन साइन स्क्वायर साइन क्यूब साइन की पावर 4 यहाँ तक कर लिए, ऐसे कॉस के भी कर लिए थे, टेन में टेन भी कर लिए, टेन का तो आपने कर ही चुके हो, टेन स्क्वायर भी आप कर लिए हो सेक स्क्वायर माइनस वन करके, टेन क्यूब भी इसके पहले कर चुके हो, टेन की पावर 4 देखना है हमें, तो दैट मीन्स जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, टेन की पावर 4 हमने कर लिया, ये स्ट्रेटजी लगेगी, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम करते रहिए अपने दिमाग में, ठीक है, रिविज़न इसी को बोलते हैं, रिविज़न रिवाइज करते रहिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम टेन की पावर 4 डिस्कस करना है, टेन की पावर 4 में करना क्या है, इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, आपने साइन वाइन में भी देखा होगा ऐसे किया था, टेन स्क्वायर टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे टेन एक्स को टी लेते हो तो हमें सेक स्क्वायर चाहिए, तो अब एक टेन को आप ब्रेक कर दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, और यहाँ पर टेन एक्स एक टेन स्क्वायर एक्स, अब फिर जब इसका मल्टीफिकेशन होगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर, ओके माइनस टेन स्क्वायर आप कर चुके हो, अभी बताया टेन स्क्वायर कैसे करते हैं, अब ये वाला पार्ट पे कंसंट्रेट करो सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, अब टेन को अगर आप टी पुट करते हो तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी के साथ हो जाएगा और टी स्क्वायर का सिंपल इंटीग्रेशन आप कर लोगे, और यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर तो कितनी बार किया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, तो सेक का आप जानते हो सेक स्क्वायर का और वन का भी कर लोगे, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या, ये दोनों ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे तो मैंने मुझे लगा यहीं पे बता देता हूँ आपको, अलग से बोर्ड पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना आप, 17 में बस जस्ट सेपरेट कर दो आप, इसको ऐसे लिखो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर से ये कैंसिल और ये क्या हो जाएगा टेन एक्स साइन अपॉन कॉस, और एक वन अपॉन कॉस किस में चेंज हो जाएगा सेक एक्स में, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप कर लोगे, ऐसे दूसरा वाला अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स करके देख लेना, ये भी इंटीग्रेशन आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी सिंपल क्वेश्चन एट एस। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 22 ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 18 भी यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं मैं, क्या ऐसा लगता है सारे क्वेश्चन ही थोड़े थोड़े डिस्कस आपको हिंट दे देता हूं आप कर लेना। 18 में अगर ध्यान से देखो ये 2 मार्क्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, यहाँ पर कॉस 2x है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स का कॉस 2x से कुछ कनेक्शन होगा है, यस, तो आप न्यूमरेटर ध्यान से देखिए कॉस 2x और 2 साइन स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x, ये पुट कर सकते हो आप। ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो हमने ये किया था कॉस 2x और इसको ब्रेक किया 1 माइनस
वन माइनस कॉस टू एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक किया, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो सेक स्क्वायर एक्स का, इनफैक्ट बोल ही सकते हो टेन एक्स होगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने 19 और 22 आपसे डिस्कस करने के लिए बोला है, 20 एंड 21 दिस इज फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। 20 के लिए थोड़ा बड़ा हिंट मैं दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ आपको। 20 में क्या है, cos 2x है, तो cos 2 और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए cos x अपॉन sin x होल स्क्वायर है, तो cos 2x का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला थोड़ा सा सोचिए ना, cos x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर से एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। आगे आपने ऐसे क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे मैंने, तो आप ये कंप्लीट कर लेना। आते क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द मेन टारगेट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड 22। 22 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, 19 करेंगे फिर 22 करेंगे, यही टारगेट है, इस टारगेट को आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज वन अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ओके। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और ये क्वेश्चन आ गया तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इसके सॉल्यूशन तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं नहीं पहुँच तो जाएगा ही, बट थोड़ा सा मुश्किल मीन्स नॉर्मल नहीं है। तो वन को आप लिख सकते हो, यू कैन राइट वन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नॉर्मली ये वन को ब्रेक किया है एक दो जगह, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, मैं देखा होगा आज ही किया है, तो ये थोड़ा सा और भी तरीके हैं बट अभी तक तो यही है। हाँ, आगे की एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो आपके पास और भी सॉल्व करने के लिए, जब आगे की एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी तक तो यही है, दिस इज द इजीएस्ट वन। अब आप डी एक्स लिख दिया करिए, एंड नाउ यू कैन ब्रेक इन टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ओके। सो दैट इज डी एक्स आउटसाइड में आप लिख दीजिए, ओके। साइन स्क्वायर कैंसिल एंड दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, टेन एक्स में, और यहाँ डिनोमिनेटर में अभी भी कॉस स्क्वायर है और उसको भी आप सिंप्लीफाई करिए सेक स्क्वायर एक्स, तो ये इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं आप, टेन को टी कर लोगे तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी में रिप्लेस हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हो गया। सेकेंड वाले पर थोड़ा सा कंसनट्रेट करना है, इनफैक्ट सेकेंड जो पार्ट है दैट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर, जो न्यूमरेटर में है इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करिए। व्हाट आई मीन टू से, यू कैन राइट इट वन अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, मैंने कैंसिल नहीं किया, उसका रीज़न है फिर से आपको भी यही करना पड़ता, कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। सेकेंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में था, मैंने उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, दैट मीन्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कैंसिल कर दूँ, कैंसिल करोगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम, अभी यहीं पे सिंप्लीफाई करो तो वैसा कुछ बेनिफिट नहीं होगा कैंसिल करने से। अब यहाँ पे एक कॉस को आप साइन के साथ मर्ज कर दो, एक कैंसिल कर सकते हो, तो दैट इज़ वन अपॉन टेन एक्स, और एक कैंसिल होके ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज, न्यूमरेटर में अगर आप इसको लिखते हो तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। एक्चुअली सेक और टेन ही आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, फंक्शन इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है, इजली कर सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है साइन कॉस में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेन और सेक। ये देखो,
अब आप टेन एक्स को टी लेते हो, सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी में रिप्लेस हो गया। तो ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और इसके बाद वाला पार्ट भी। तो इसलिए ये इसमें स्पेशल क्या था, आपने वन को पहले ब्रेक किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनफैक्ट बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट। अगर आप वन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चंस को देखोगे, सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन तक सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपने आगे की एक्सरसाइजेज नहीं पढ़ी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो एक दो मेथड और हैं, ऐसा दिस इज़ नॉट द ओनली मेथड। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी दिन से वेट कर रहा था, मैं रोज़ बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है और अब जाके वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इम्पॉर्टेंट है, दो बार ये अभी पूछा जा चुका है लास्ट टू ईयर्स में, थ्री ईयर्स में, और दोनों बार मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था फरवरी में, और मार्च में पेपर एक हफ्ते बाद पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी लगता है और अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 22, दिस मे बी द लास्ट वन। 22 है, वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। आज थोड़ा सा स्पीड आपको लग रही होगी, बट आप पॉज करके देख लीजिए, अगर देखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी वन अपॉन, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग ही समझ में आपको नहीं आएगी अगर आपने क्वेश्चन को एक बार सॉल्व नहीं किया है। अब क्या सब्स्टिट्यूट करो, कॉस एक्स माइनस ए है तो साइन एक्स माइनस ए आएगा, कॉस एक्स माइनस बी सब्स्टिट्यूट करोगे तो कभी भी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। दैट मीन्स कुछ हमें फंक्शन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये। ओके, तो ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक ब्यूटीफुल फार्मूला यहाँ पे देखना, दिस इज़ द टोटल अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर यूज़ हुआ है। सो अब देखिए, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ साइन ए माइनस बी। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों लिखा, तो आगे के सॉल्यूशंस आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं था। साइन ए माइनस बी इज़ कॉन्स्टेंट, तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर, दोनों को बैलेंस करना है, ऐसे नहीं कि मैंने साइन ए माइनस बी लिख दूंगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, हाँ डिनोमिनेटर वाले को मैंने आउटसाइड लिखा है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, यू कैन राइट। इस वाले को मैंने इनसाइड लिया हुआ है जिसका कुछ पर्पज़ है, बस अगले स्टेप में आपको पता लग जाएगा। x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, हाँ ये करने का यही तरीका है अभी तक। अगर आपके पास कोई और तरीके होंगे तो बता देना, ठीक है। हाँ साइन की जगह आप कॉस कर सकते थे ये बस, बट अगर टोटली डिफरेंट कोई मेथड होगा तो ज़रूर बताना, अभी तक तो मुझे मिला नहीं। वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो मैंने आउटसाइड रख दिया है। हाँ अब न्यूमरेटर्स को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देखना। साइन ए माइनस बी, एक्चुअली हुआ क्या, जो ए माइनस बी था यही प्रॉब्लम था, इसी को बैलेंस करने के लिए आया हुआ है। ए माइनस बी कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए माइनस, ये सारा कुछ एक साइड में है साइन के साथ में, माइनस ऑफ एक्स माइनस बी। अगर आप ऐसा लिखते हो तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। तो बेटर होगा आप यहाँ पे क्या करो, एक मिनट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बी और यहाँ पे कर लेता हूँ ए, जैसे सिचुएशन वैसा कर लो, तो सेम ये ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ए कर लेते हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट पे आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली, मैंने इसको ब्रेक किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ
एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये सारा कुछ साइन ए की साइन है, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कॉस में, और यहाँ पे वन अपॉन में तो ये है ही साइन ए माइनस बी, ये ध्यान रखना आप, वन अपॉन में है। इनफैक्ट इंटीग्रेशन के साइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी, ये इंटीग्रेशन है और ये वन अपॉन में है, ठीक है, ये वन अपॉन में है, ठीक है, वन अपॉन ए में। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का आप फार्मूला अप्लाई करिए, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो दो तीन स्टेप थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये स्टेप वन, वन के प्लेस पे ये आया और इसको यहाँ पे ब्रेक करना, ये दो स्टेप आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आंसर आपको मिलता जाएगा, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंटीग्रेशन में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साइन ए माइनस बी का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिए, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, बहुत फेमस वन है, साइन ए माइनस बी साइन ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब आप सेपरेट करोगे तो दिखाई दे रहा होगा, जैसे फर्स्ट वाला सेपरेट करोगे तो कॉस ए कट जाएगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी टैन एक्स माइनस बी में चेंज हो जाएगा। ऐसे सेकेंड टर्म्स की तरफ मूव करते हैं तो साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा किससे, सॉरी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी से, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा टैन एक्स माइनस बी। ध्यान से देखो, ये दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, यहाँ पे इन वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, ओके, देन इंटीग्रेशन इज दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूँ मैं, साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स होगा माइनस, सेपरेट करते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे कॉस वाले टर्म्स ये वाला कैंसिल हो जाएगा बी वाला, फाइनली ये होगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है मुझे, सो वन अपॉन, तो ये साइन एक्स माइनस बी अपॉन टेन कॉस एक्स माइनस बी, ये फाइनली हो गया टेन एक्स माइनस बी। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली, माइनस और दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो गया टेन एक्स माइनस ए, बेसिक एम यहाँ पे क्या है डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। अच्छा, ये टैन का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो ना, लॉग ऑफ सेक, स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ 7.2 के जस्ट पहले, तो ये आप कर लोगे, ओके कर लेता हूँ मैं भी, कंप्लीट ही कर देता हूँ आपको, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या था एक्स माइनस बी, तो sec ऑफ x माइनस बी माइनस log ऑफ sec ऑफ x माइनस ए। अब ये आपका, अब log की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज़ कर दो क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया करो, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप 95 के ऊपर जाते हैं छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन, इनफैक्ट 98, 99 पे जब आपके मार्क्स आने लगते हैं ना, अब तो 80 का पेपर होता है तो 80 प्लस 78 के आसपास जब मार्क्स आने लगते हैं तो छोटे मोटे ये सिंप्लीफिकेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
टीचर्स को स्पेस मिल जाता है कि थोड़ा सा इसके मार्क्स हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए डिडक्शन, बट आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं। लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए, हो गया। अब ढेर सारे बोलेंगे अगर मैंने यहीं छोड़ दिया कि सर आंसर तो टैली नहीं कर रहा है, अरे सेक को कॉस में बदल दोगे तो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अगेन आंसर, इंटीग्रेशन कर दिया था, प्लस सी आप लगा दिया करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कर लिया है, दो एमसीक्यू हैं, वो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ओके, सो थैंक्स टू ऑल।